everyone, welcome back to my YouTube channel. Hanyo-hanyo ngalam so kan YouTube channel lo. So tinin si miyang one, so tong o tinin si miyang hindi ba i-vlog kanya yun eh. So tinin si miyang ro hindi ba i-vlog na yun. Malay tiyan, ito to bang sa bujo sim ko kung ka ba. Tinin si miyang hindi ba kanya yun one, so itong. Asi may socha ki may future vlog ba na wap sabi ko dikhao ki mera din kaise jata hai. Kahan kahan may kumne ke liye nikalta ho ye Bangalore ka shahir mein. Chalo guys, dikhata ho aaj ka din kaise jata hai. तो गाइस आप लोग मेरा वीडियो का राइट साइड में जो कंस्ट्रक्शन चलता हुआ देख रहा होगा, यानी कि ये एरिया का नाम येलंका कह जाता है। यहाँ पे फिलहाल मेट्रो स्टेशन यानी कि कोई मेट्रो नहीं हुआ, इसलिए ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लगभग 2-3 साल के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक कनेक्टेड मेट्रो स्टेशन यानी कि मेट्रो होने वाला है फ्रॉम एयरपोर्ट टिल सिटी तक। बेंगलोर का जो सिटी है वहाँ तक होने वाला है। आपको पूरा कम पैसा से ही घूमने के लिए देखने को मिल जाएगा बेंगलोर शहर में। दरअसल दूसरा जगह में तो मेट्रो है, लेकिन ये एरिया में अभी तक नहीं हुआ, तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो इसी साथ साथ हम लोग आ चुका है एक लेक की तरह। ये लेक बहुत ही सुंदर दिख रहा है भाई, क्या ही बोलो। ये जो सनसेट दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये है असली वो जो हम लोग देखने के लिए आया, यही देखने के लिए हम लोग इतना दूर से आया है, यानी कि ये है व्हाइट हिल। ये व्हाइट हिल बहुत खूब सुंदर दिख रहा है, पूरा चारों तरफ गहरा पानी, समुंदर जैसा फील हो रहा है। देखो देखो गाइस, क्योंकि आप लोग बोल रहा भी होगा कि व्हाइट हिल तो बोल रहा है, लेकिन ये व्हाइट हिल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, सनसेट अभी होने वाला है इसलिए। तो उसके साथ साथ हम चल चुका है वापस घर की तरह। देखने की बात, अभी हम घर पे जाके नहा के फिर से फ्रेश अप होके, रात पे एक मेला है जो आप लोग वीडियो का मेरा थंबनेल और टाइटल में देख के पता ही चल गया होगा। तो अभी घर पे जाके फटक से रेडी होके उसके बाद रात को हम लोग दिखने के लिए जाने वाला है एक जो वहाँ पे सस्ता वाला ताज महल, उधर पे दिखने को मिलेगा। आप लोग मेरा वीडियो को एंड तक बने रहिए तो आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम पहुँच गया वहाँ पे, जिसको इंतज़ार कर रहा होगा आप लोग कहाँ पे सस्ता हो जो ताजमहल दिखने को हमको मिलेगा बोल के। तो ये है एंट्रेंस की तरह, हम अभी आगे बढ़ रहा है। एंट्रेंस के आगे बढ़ने के बाद ये एक देखो दमी जैसा, ये एक अपो तो क्या बोलो उसको, एक ये दीदी तो बहुत नाच के जा रहे हैं, गाना बजा रहा है। अगर गाना मैं इस वीडियो में डाल दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के बाद देखा तो फिर से यहाँ पे एक ये क्या है, ये मिकी माउस जो बचपन में हमने देखा है वही है, ये मिकी माउस बॉय आगे बढ़ रहा हुआ। तो ये लोग कुछ बातें कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब अपना अपना चल रहा है। तो यानी कि मैं आगे बढ़ के देखने के लिए गया सस्ता वाला ताजमहल को। तो ताजमहल बहुत अच्छा दिख रहा है, जो पहली बार देखेगा ना इसको लगेगा ही नहीं ये ताजमहल नकली है बोल के, क्योंकि इतना अच्छा दिख रहा है ताजमहल। भाई साहब पैसा तो नहीं है, दिल्ली वेली घूमने जाने के लिए पैसा नहीं है। बेंगलोर का इसमें अभी मेला चल रहा है तो इधर ही देखने के लिए आ गया। उसी के साथ साथ मैं आगे जाके सामने की तरफ बढ़ते हुए मैं देख रहा है कैसे बनाया ये लोग। भाई साहब देखो कितना अच्छे से बनाया, कितना अच्छे पेंटिंग किया। दिमाग तो है, वैसे हम लोग का इंसान का दिमाग तो है, इसलिए तो इतना अच्छा बना सकता है ना। चारों तरफ देखा तो गोरिल्ला क्या क्या पोस्टर लगा के रखा है। उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्ट घर की तरह आ गया। घर पर आने के बाद चिली चिकन बनाने के लिए मैंने ये सब प्याज वगैरह काट लिया। काटने के बाद मैंने पूरा चिकन में आंदा डाल के, आंदा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मैदा, मैदा डालने के बाद मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने पूरा 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई पे चढ़ा दिया। चढ़ने के बाद इसमें मैंने पूरा मिक्स कर दिया केचप। मिक्स करने के बाद इसमें पूरा लाल लाल दिख जाएगा, तो केचप मिक्स करने के बाद मैंने पूरा डाल दिया इसमें सोया सॉस 1 चम्मच। सोया सॉस डालने के बाद 1 चम्मच विनीगर डाला, उसको अच्छे से मिक्स करके एकदम, ये देखो मेरा रात का खाना कैसा लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए मैं कैसे खाना बनाया। तब तक के लिए इतना ही, बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।